हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन इन टेक्निकल ज्ञान। फ्रेंड्स, टेक्निकल ज्ञान में आज बात करेंगे कि मोटर के लिए ओवरलोड रिले या थर्मल ओवरलोड रिले का सिलेक्शन कैसे करते हैं, क्या प्रोसीजर है, उसके लिए हमें क्या क्या प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं, मोटर का हमें क्या वैल्यू पता होना चाहिए जिससे कि हम रिले का सिलेक्शन कर पाएँ। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास 10 किलोवाट की कोई मोटर है, तो मोटर का जब हम रिले का सिलेक्शन करते हैं तो हमें उसका सबसे पहले FLA या FLC पता होना चाहिए, फुल लोड करंट कितना ले रहा है वो, उसके बाद ही हम उस पर कुछ कर पाएंगे। तो मोटर का 10 किलोवाट का हमारा मोटर है, तो सबसे पहले हम उसका करंट का कैलकुलेशन करेंगे कि ये मोटर हमारा जब चलेगी तो कितना करंट ड्रॉ करेगी। तो निकाल लेते हैं और अपन पावर के फार्मूले से P=√3 VI cos φ से अगर हम करंट निकालने जाएंगे FLC के लिए, तो I = wattage मीन्स पावर बाय √3 वोल्टेज इंटू पावर फैक्टर। इसी वैल्यू पे हम जब रखेंगे इस पर अपनी वैल्यूज़, तो मोटर का करंट कैलकुलेट हमारा हो जाएगा। तो अब कैलकुलेट करते हैं मोटर का करंट। हमारे पास 10 किलोवाट का मोटर है, तो 10 हमने कर दिया और जो वाटेज में निकालेंगे तो 1000 समय मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 10 × 1000 अपॉन में √3 की वैल्यू 1.732 और 415 वोल्टेज हमारा होगा स्टैंडर्ड वोल्टेज 3 फेज का। मोटर का जो पावर फैक्टर होगा 0.8 होगा। जब इस समेशन को हम कैलकुलेट करेंगे इक्वेशन को, तो 17.39 एम्पियर आएगा, मीन्स मोटर का हमारा जो फुल लोड करंट है वो 17.39 एम्पियर होगा। इसे कहते हैं FLC यानी फुल लोड करंट। अब हमें अगर मोटर का कैलकुलेट करना है कि रिले कैसे करेंगे, तो ओवरलोड रिले का जो रेंज है वो 20% प्लस माइनस हमेशा सेट करना चाहिए फुल लोड करंट का। तो जो FLC होगा उसका प्लस माइनस 20% हम निकाल लेंगे, जो हमारा FLC है यानी फुल लोड करंट है। तो 10 किलोवाट की मोटर का फुल लोड करंट हमारा 17.39 एम्पियर है। अब इसका हम 20% निकालते हैं प्लस में, 20% प्लस निकालेंगे 3.47 आएगा, मीन्स 20%। अब इसका 20% प्लस में निकालते हैं, मीन्स जो रनिंग एम्पियर है FLC फुल लोड करंट है उसमें 3.5 को ऐड कर देंगे, तो 20.89 यानी 20.89 एम्पियर तो हमारा प्लस में आ गया 20%। अब माइनस में 20% निकालेंगे तो वो भी माइनस कर देंगे रनिंग एम्पियर से, तो 13.89 एम्पियर हो गया। तो इस तरीके से हमारा क्या हुआ कि दो वैल्यूज निकल के आई। मोटर का जो ओवरलोड रिले का रेंज हमें सेट करना होता प्लस माइनस 20% पे, तो एक तो फुल लोड करंट आ गया हमारा FLC 17.39 एम्पियर, दूसरा प्लस में 20% की वैल्यूज़ आ गई 20.89 एम्पियर, और माइनस में जो 20% हमने निकाला है उसका फुल लोड करंट का वो 13.89 एम्पियर। तो जो हम रिले का सेटिंग करेंगे, रिले का रेंज करेंगे, सेलेक्ट करेंगे, वो 13 एम्पियर से लेके 21 एम्पियर तक के रेंज में हम करेंगे, क्योंकि 20 हमारा प्लस टाइम में जो मैक्सिमम एम्पियर है वो है और मिनिमम में 13 एम्पियर है। तो अप्रॉक्स जो हम रेंज सेट करेंगे वो 13 एम्पियर मिनिमम करेंगे और मैक्सिमम करेंगे 21 एम्पियर का। अब आपके पास भी कोई मोटर है किसी भी कैपेसिटी का, तो आप उसकी रिले की सेटिंग अपने हिसाब से उसका रनिंग एम्पियर कैलकुलेट करके रेंज को सेट कर सकते हैं, मीन्स रिले ओवरलोड रिले की सेटिंग कर सकते हैं। अभी तो मैंने 10 किलोवाट को कैलकुलेट करके आपको बताया है कि 13 से 21 एम्पियर का जो रिले है उसका रेंज होगा। आप भी इस तरह से 5 किलोवाट का कोई मोटर है, 3 किलोवाट की है, तो इस तरह से आप रिले की सेटिंग कर सकते हैं। मिलते हैं ऐसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।